हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो तैयार हो जाइए, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ आपको बहुत अच्छे से मैं एक एक लाइन जो है वो आपको पढ़ाऊंगी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन होंगी उनको आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, और ध्यान से आप सुनकर याद भी करना चाहते हैं तो वहीं पर याद भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ और आपको बहुत सारी बातें जो है वो याद भी हैं। जो नहीं है, जिनको आप नहीं जान पाए, तो उनको आप नोट करते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। राजस्थान का इतिहास एक परिचय। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान से सुनना है। इसके बाद 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम रायथान या राजस्थान रखा। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन वो कौन कौन सी है। सबसे पहली बात है कि राजस्थान को राजपुताना शब्द जो है वो सबसे पहले किसने रखा, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान नाम जो है या रायथान नाम जो है वो कब रखा, 1829 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टॉड की बुक का क्या नाम था, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान जो है वो अपने अस्तित्व में कब आया, 30 मार्च 1949 को, जिस वजह से 30 मार्च को हम मनाते हैं राजस्थान दिवस। तो ये लाइनें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आने वाली हैं। अभी हाल ही में मार्च में ही जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था तो उसमें राजस्थान का इतिहास जो है सिलेबस में था, क्वेश्चन ये वाला आया था आपका बिल्कुल फर्स्ट, ये आपकी सेकंड लाइन कौन सी, राजस्थान को राजपुताना शब्द किसने दिया। आंसर था जॉर्ज थॉमस। ऑप्शन में कर्नल जेम्स टॉड भी था, कई बच्चे जो हैं वो कर्नल जेम्स टॉड ही करके आ गए, तो गलत हो गया। यदि चैप्टर को ध्यान से भी पढ़ेंगे तो आपको नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पर आपको चीजें वो समझ में आ जाती हैं। ठीक है, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, आप नोट करें कर सकते हैं। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहां पर बसी जातियों के नाम से जाने जाते थे। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि। मरु और धन दोनों का अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। तो देखिए, यहाँ तक इम्पोर्टेंट जो है वो क्या याद करनी है, आप देखिए जैसा मैं पढ़ा रही हूँ तो यहीं पर आप याद कर लीजिए कि ऋग्वेद में कौन कौन से नाम जो हैं वो आए हैं जो कि वहां पर बसी जातियों के नाम से बने। तो मरु तो ये क्षेत्र के नाम से पड़ा, धन्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन, इन नामों का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में भी है। क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में इन प्रदेशों में से कौन कौन से प्रदेशों के नाम जो है वो आए हैं, तो इनमें से एक का नाम जो है वो नहीं देगा और पूछ लेगा। मरु और धन दोनों का एक ही अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक ही लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है, मरु, धन, जांगल, मत्स्य, सूरसेन, इनका नाम जो है वो ऋग्वेद में आया है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहां पर शमी, कैर या पीलू आदि होते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन ये है कि शमी, कैर और पीलू ये क्या है, ये कटीले वृक्ष या झाड़ी जिन्हें कह सकते हैं। तो शमी, कैर और पीलू इनका, तो ये जो है ये कहां पर आई है, जंगल प्रदेश में, शमी, कैर और पीलू। बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जो है वो जंगल क्षेत्र कहलाता था। तो पूछा जा सकता है कि बीकानेर और नागौर इन क्षेत्रों में किस प्रकार के कटीले वृक्ष मिलते हैं, तो उनके नाम पूछे जा सकते हैं, शमी, कैर और पीलू। मत्स्य जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था, जिसकी राजधानी थी विराटनगर।
भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में हमने देखा कि धन्व जांगल मत्स्य सूरसेन, ये आपको मिले ऋग्वेद में मिलते हैं। महाभारत में मत्स्य जनपद और सूरसेन जनपद, इनका उल्लेख मिलता है। मत्स्य में कौन आ रहे थे? जयपुर, अलवर, भरतपुर। सूरसेन जनपद में कौन आ रहे थे? मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली। चलिए, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। अब भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भी नाम रखे गए क्षेत्र के, कैसे? महानदी, माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता था। ठीक है, तो माही नदी के भूभाग, माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग वो क्या कहलाता था? कांठल। क्यों कहलाता था? क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे कांठे पर स्थित था। ठीक है, हमें पता है कि माही नदी जो है वो दो बार राजस्थान में से निकल रही है। एक तो राजस्थान में एंटर कर रही है मध्य प्रदेश से, और दूसरा गुजरात की तरफ जा रही है। और माही नदी जो है वह कर्क रेखा को दो बार काटती है। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता था। ठीक है, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इसके मध्य का भूभाग क्या कहलाता था? 56 गांवों का मैदान। नेक्स्ट देखिए, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल नाम से जाना जाता था। तो ऊपरमाल नाम से जाना जाता था कहां का पठारी क्षेत्र? भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता था। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता था, बांगड़ नहीं, बागड़। कोटा और बूंदी का प्रदेश हांडोती नाम से प्रसिद्ध था, और सीकर, झुंझुनू और चूरू का क्षेत्र शेखावटी नाम से जाना जाता था। तो चलिए एक बार मैप की तरफ देख लेते हैं। देखिए, ये रहा ऊपरमाल का पठार, ये जो है बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ या भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का भाग। कैसे याद रखेंगे? जैसे आप कह सकते हैं कि भैंस के ऊपर बिजली गिरी, तो याद हो जाएगा आपको भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक ऊपरमाल का पठार। हांडोती का देखिए, हमने अभी बात की कि कोटा और बूंदी, तो ये हांडोती क्षेत्र में आए। बागड़ की बात की, बागड़ यहां पर देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहा गया बागड़। ठीक है, बांगड़ नहीं, बागड़। और यहां पर देखिए ढूंढाड़ प्रदेश था, मेवात प्रदेश, अलवर, भरतपुर, करौली मेवात प्रदेश के नाम से। ठीक है, मारवाड़ यहां था, जोधपुर, बीकानेर, यहां इस क्षेत्र को कहा गया मारवाड़। जांगल प्रदेश देखिए उत्तरी राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आप ज्योग्राफी में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ऊपरमाल का भाग जो है वो भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का, और उदयपुर के आसपास बहुत सारे पहाड़ी होने की वजह से क्या कहा गया? गिरवा कहा गया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को क्या कहा गया? बागड़ कहा गया। कोटा और बूंदी को क्या कहा गया प्रदेश को? हांडोती कहा गया। सीकर, झुंझुनू और चूरू के क्षेत्र को शेखावटी कहा गया। तो मुझे लगता है कि आपको यहीं पर ये चीजें याद भी हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इतिहास का काल विभाजन। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं, प्राकयुग, आदियुग और ऐतिहासिक युग। तो प्राकयुग जो कि पाषाण काल से संबंधित था, जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य जो है वो नहीं मिले हैं। आदियुग, आदियुग जहां पर हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन जिन्हें हम पढ़ नहीं सकते हैं, जैसे हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ हमने देखा था कि लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग जो कि 600 ईस्वी से लेकर अब तक यानी वर्तमान तक जो चल रहा है। प्राकयुग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। आदियुग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, किंतु या तो वे स्पष्ट हैं अथवा उनकी लिपि को भी पढ़ना संभव
नहीं हुआ है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं, प्राक युग जो कि कहां से लेकर सृष्टि के आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक, प्राक युग, आद्य युग, यह युग हड़प्पा से लेकर 600 ईस्वी तक, 600 ईसा पूर्व तक, ऐतिहासिक युग 600 ईसा पूर्व से लेकर अब तक। चलिए, तो यहाँ कुछ याद करने वाली चीज नहीं थी, इनको तो आप जानते ही हैं। प्राग ऐतिहासिक राजस्थान, अब राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं, मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि जहां पर नदियां होंगी वहीं पर लोग आकर रहेंगे, तो मानव सभ्यता वहीं विकसित होगी, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहां अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल ये सभी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों पहले राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी, यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, क्योंकि हमें पता है कि 61% भाग जो है वो मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पहले इस मरुस्थली भूमि में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती तथा दृष्टी जिसे गग्गर नदी कहते हैं इस समुद्र में आकर गिरती थी। तो ये क्या था, पहले मान्यता थी, यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभाग में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं, इसे तीन भागों में बांटा गया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो यहाँ तक आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखा जा सकता है कि पाषाण काल को हम तीन भागों में बांटते हैं, ठीक है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। चलिए, तो इनको देख लेते हैं। पूर्व पाषाण काल, राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्ट्जाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पहले राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। तो देखिए, यहाँ पर एक लाइन आपको बिल्कुल याद रखनी है कि पूर्व पाषाण काल में क्वार्ट्जाइट पत्थर जो है वो उनसे उनके उपकरण जो है वो मिले हैं। 1870 ईस्वी में सीए हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोज निकाली। किससे बनी हुई थी, पाषाण काल है तो पत्थर से ही बनी हुई थी। कुछ समय बाद सैटनकार ने झालावाड़ से इसी युग में अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के आरसी अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद मिश्रा, ये सभी विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। इसके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियां, विशेष रूप से चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जालौर से इस युग में उपकरण की खोज का श्रेय जो है वो बी आलचिन को है। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। तो यहाँ तक आपको लिखने वाली बात केवल यही है कि क्वार्ट्जाइट पत्थर जो है वो किस पाषाण काल की देन है, तो याद रखना है पूर्व पाषाण काल की देन है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि भारतीय पुरातत्व संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग के कौन, आरसी अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा, इन सभी ने क्या किया, बहुत सराहनीय योगदान दिया पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के पक्षों को सामने लाने में। ठीक है, बस यहीं तक आपको याद रखना है ये दो लाइनें। नेक्स्ट देखिए, मध्य पाषाण काल मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में, राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल भी रहा। पश्चिम
राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियों चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। ठीक है, तो आपने देखा अभी तक हमने नदियों के किनारे ही पाषाण काल उपकरण जो है वो मिलने की जानकारी ली। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित हैं। कौन से? मध्य पाषाण काल के अंतर्गत उपकरण जो है अब कैसे मिलने लगे? छोटे मिलने लगे। ये उपकरण जैस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, कल्सेडोनी आदि पाषाणों से बने हैं, जिनके ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रेपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय है। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा गया। तो ठीक है, हमने देखा क्वार्टजाइट पत्थर जो है वो हमें पूर्व पाषाण काल में मिला। माइक्रोलिथ ये कहाँ मिला? जो कि छोटे उपकरण थे लघु पाषाण काल में, यानी मध्य पाषाण काल में मिला। नेक्स्ट है नव पाषाण काल। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर नव पाषाण कालीन सभ्यता का उदय हुआ। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए, जिनमें भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चलिए, तो जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में दो जब पैराग्राफ हमने देखे थे, जॉर्ज थॉमस और कर्नल जेम्स टॉट, तो उनकी बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा किन किन क्षेत्रों को किन नामों से जाना गया वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, राजस्थान में धातु काल, उसके बाद पाषाण काल के बाद क्या आया? धातु काल। ताम्र पाषाण, ताम्र एवं ताम्र काश्य काल, धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर जो कि सीकर में है, कालीबंगा, हनुमानगढ़, गिलुंड, राजसमंद, आहड़ व झाड़ोल, उदयपुर, पिंड पाडलिया, चित्तौड़, कुराना, नागौर, सावड़िया व पूगल बीकानेर, नंदलालपुरा, किराड़ोत व चीतवाड़ी जयपुर, एलाना जालौर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कौल माहौली सवाई माधोपुर, मलाह भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो पहले जब क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही थी तो वहां पर भी बच्चों को डाउट था कई बार कि ग्लून सभ्यता जो है वह तो उदयपुर में स्थित हुई। तो देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि गणेश्वर जो है वो सीकर जिले में, कालीबंगा जो है वो हनुमानगढ़ जिले में, गुलून जो है वो राजसमंद जिले में और आहड़ जो है वो उदयपुर जिले में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो सभ्यताएं कहाँ पर विकसित हुई ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए कि लोह युग यानी कि पाषाण काल के बाद क्या हुआ? लोह काल। ताम्र और काश्य काल के बाद लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। इसने कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। लोहे की खोज हो गई तो अब क्या हुआ? कृषि होने लगी। ठीक है, हथियार बनने लगे। राजस्थान में नोह, अब देखिए नौ सभ्यता कहाँ है? भरतपुर, याद होगी आपको, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू में, रेण टोंक में आदि स्थानों से लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। नोह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जोधपुरा तथा सोनारी से लोहे को गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। रेण को तो लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई है। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है? सबसे पहले आप याद रखेंगे गणेश्वर सभ्यता सीकर में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, गिलुंड राजसमंद में, आहड़ उदयपुर में। इसके बाद याद रखेंगे आप नोह सभ्यता भरतपुर में, जोधपुरा जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में और रेण टोंक में। ठीक है, ये दो लाइन आपको याद रखनी है। और तीसरी लाइन आपको याद रखनी है इन पैराग्राफ में कि रेण को तो लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई है। पूछा जा सकता है कि किसे दी गई है टाटा नगर की संज्ञा? राजस्थान के अंतर्गत रेण को। ठीक है, क्यों? वहां पर लोह सामग्री जो है वो प्रचुर मात्रा में
मिली है इस वजह से। लोक काल के बाद भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, नोह आदि स्थानों से मिले हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो पाषाण काल जो है वो समाप्त हुआ, लोह काल समाप्त हुआ, उसके बाद अब आता है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। ठीक है, प्राचीन सभ्यताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज हम यहीं तक करते हैं। कल हम दोबारा से इसे यहां से स्टार्ट करेंगे, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से। देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका थोड़ा सा लंबा है, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर जो है वो आपके केवल एक एक वीडियो ही बनेंगे, क्योंकि वो छोटे हैं। फर्स्ट चैप्टर जिसमें राजस्थान का इतिहास के बारे में है तो वो बहुत ज्यादा बड़ा है, और आप उसको इतना ज्यादा, अगर मैं लंबा वीडियो कर दूंगी तो आपको समझने में बहुत मुश्किल होगी। अब इस वीडियो को आप दो बार ही देखेंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा अच्छे से, आपको नोट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी तरीके से तैयारी करते हुए राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।